हाँ जी, तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि जैसे थे वैसे हो गए, परफेक्ट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, और एंजॉयिंग हेल्थी लाइफ लाइक मी हो गए। तो गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, सेम डे है संडे, और मेरी रूटीन आज की डिफरेंट है, क्योंकि आज की रूटीन में हम लोग आपको विजिट करने लगे ऐसी चीज का जो आपने कभी देखी ना होगी इतने छोटे से इलाके के अंदर इतनी बड़ी चीज। अली साहब, गो एंड गो। ये है जी सिटी स्टेडियम, हमारे सिटी का राजन का सिटी स्टेडियम, फ्लड लाइट सिस्टम, और यहाँ पर बड़े बड़े टूर्नामेंट हो चुके हैं, और आपका भाई भी ऑलमोस्ट खेल चुका है स्टेडियम के अंदर। बेशक रन जीरो है लेकिन खेल चुका है। हार्ड टू से, क्योंकि यार बात होती है ना मियार की, मेरा मियार नहीं मिलता यहाँ खेलने से। असल में ना मेरी गेम कुछ डिफरेंट है, मुझसे पैसे ले लेते हैं, मुझे पानी पिलाने में मजबूर करते हैं, मजबूर हूँ, घर से निकाल देते हैं जहाँ खेल क्रिकेट, यहाँ जब बात हो क्रिकेट खेल ले, मुझे बारी नहीं देते। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, व्यूअर्स इंसाफ करें। गाइस, इससे पहले कि हमारे दोस्त कोल्ड ड्रिंक लेके आए इंजॉय करने से पहले, मैं आप लोगों को पवेलियन, हमारे सिटी स्टेडियम का पवेलियन, जहाँ पर खिलाड़ी डगआउट में आके आप बैठते हैं, खुद के यानी कि किट वगैरह पहनते हैं, तो वो जगह हम आपको दिखाएंगे। आया जैसा बाई फर्निश किस्म का इंतजाम है, आवाज मेरी गूंज रही है, माशाल्लाह से देखेंगे। आया जैसा अंदर आ जाए, दरवाजा मुंह पे लगे, जल्दी आ जाए। माशाल्लाह से ये देखेंगे हम लोग डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, यानी कि ये जो बार एसोसिएशन यहाँ पर टैक्स वगैरह की है, जब कोई टूर्नामेंट करा होता ना उसके बाद जब यहाँ पर इनाम आते हैं किया जाता है तब ये टैक्स काम आती है। उसके बाद ये ट्रॉफी देखेंगे हम लोग साउथ पंजाब अंडर 16, ये कहेंगे कि ये स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम आते पर ड्राइंगपुर डिप्टी कमिश्नर जब ये स्टेडियम का जब फर्स्ट था हुआ ना, तो यहाँ पर टूर्नामेंट हुए तो तब ये उनको दी गई एजाज के तौर पर, अवार्ड के तौर पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ट्रॉफी मौजूद है, और ये पंजाब कल्चर डे स्टेशन हमारा, यानी कि एक एजाजा रखे गए हैं जस्ट फॉर फन पर्पज, यानी कि एग्जीबिशन के लिए, नॉट फॉर अदर पर्पज। तो ये यहाँ पर जी जब कोई मीटिंग होती है लाइक इस तरह कहेंगे कि जैसे पीछे हमारा बैठता है, कोई यहाँ पर इजलास वगैरह होता है तो आपका भाई यहाँ पर बैठेगा, हाँ, और पूछेगा हाँ भाई रखी हार है, मैनू नहीं गिराउंदे। मैं कहूँगा मेरा भी वही हाल है, मैंने भी नहीं गिराउंदे, हुण दसो की करिए। तो आई जी सेम कंडीशन है यहाँ पर, प्लेयर्स को इतराज होता है ना कि मैं अच्छा खेला हूँ और मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो फिर उस चीज़ के लिए यहाँ पर वो बगैर का कमिश्नर तो अपना इंसाफ करते हैं। इंसाफ आज के दौर में इतना पैद है, वो ये हाल ही हमारा कट्टी खाना वाशरूम है यार, यार देखेगा इस अंदर आ जाए यार। तो ये जी यही चीज आप देखेंगे यहाँ पर, कमाल के सुधार कर, वाह आज में देखेंगे आप, वाह यार ये ना जिस तरह अपने भी जिस तरह हम रोड क्रिकेट स्टेडियम में आ गए ना, वही वाली फीलिंग मुझे आ रही है। और क्या आज में ये देखें इतना है, ये हमारा है जी नौटना लखना दूसरे खाना, मुझे पता नहीं चला मेरा बात लगा पूरी पेंट के लिए होगी यार। ये हमारा कमोड दिखाने की जरूरत है, विवर्स है नहीं है, आप बोल रहे हो जब कुछ खा रहा हो क्या तो ये काम आ जाए आ जाए। तो गाइस, इस वक्त हम लोग मौजूद है जहाँ पर क्रिकेटर्स आते हैं ना, बाइस लाइक के अगर सिर्फ रायपुर क्रिकेटर नहीं आके लेंगे, यहाँ पर डीजी खान मुल्तान लोग हर तरफ से क्रिकेट आते हैं, क्रिकेट खेलने तो वहाँ पर हमें एक मजेक चीज दिखाई आई सब आप मजेक चीज करेंगे। यहाँ पर है जी किचन, तो यहाँ पर क्रिकेटर्स को पराठे, आलू के पराठे, मूली के पराठे बनाकर खिलाए जाते हैं। हाँ यार सब अंदर आए, आई होप कि हमारे कुछ देख सकेंगे। ये हमारा बड़ा सारा किचन, इतना बड़ा किचन कि आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। चले आज सर इतना बड़ा किचन लाइफ यू डिडंट लाइक नो मोर लाइफ लगता है बहुत लगे हमारे। ये हमारा पवेलियन जहाँ पर क्रिकेटर्स अपने ड्रेस चेंज करते हैं, ड्रेस पड़ा हुआ आदमी है और साथ में पानी गर्म करने वालों पड़ा हुआ फ्लास कर जो भी मर्जी हो, ठीक है ना। तो लाजमी आपने विजिट करना लाजमी हमारा सिटी स्टेडियम क्रिकेट का। आइए आज सर ऊपर चलते हैं। ओए क्या बोतल हम पकड़े हैं हम गाइस, वो दोस्त ने तो हमारी बोतलें निकल गए हमारे लिए, हम फैन है ना हमारे, तो इससे पहले कि हम पता लगे भाई आ गया बोतल उतना पीने, तो मैंने बतला दे दिया कि हम खड़े हैं बोतल जाया नहीं कर रहे। कौन था बोतल वाले? आए नहीं अभी तक बोतल वाले, तो आए नहीं है, तो हम आपको विजिट कर रहे थे अपने स्टेडियम की छत का,
और यहाँ पर देखे बिल्कुल ग्रीन कलर किया गया, क्योंकि हमारे झंडे का कलर भी ग्रीन है, तो नीचे घास भी ग्रीन है। और यहाँ पर छत भी ग्रीन है। तो आदि साहब ये देखेंगे हमारी विजिट का छत, छत का विजिट आपने किया। और यहाँ पर जब क्रिकेटर देखते हैं ना, बड़ा कुछ मेहमान है खुशी आके देखते हैं ना, तो यहाँ से वो खड़ा होके ना तो तमाम विजिट करता है इस तरह करके। और वो ना जब कोई क्रिकेटर गलत खेल रहा होता है ना, कोई पुठे सीधे पंगे ले रहा होता है, तो एक जो होता है ना पैर, वो कहता है काटे बाहर काटे थले लाया वो इस तरह करके ना वो भी कर रहा होता है, पॉइंट आउट भी कर रहा था काटे बाहर, जिस तरह हमारा बासी मन कहता था वो इन काटे बाहर। टैंकी है ना, टैंकी तो यहाँ पर ये खाली है, टैंकी अभी खाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी ना गर्मी की शदत बहुत ज्यादा है, भूख पड़ी है लोगों को, लोगों के पास पैसे नहीं है बाल लेने के, जब बाल नहीं होगी तो स्टेडियम किस काम आएगा, वीरान हो जाएगा। तो जी इस वक्त मैं खड़ा हूँ अपने स्टेडियम की गैलरी में, जहाँ पर जैसे बालकनी कहते हैं ना, वो जगह जहाँ पर क्रिकेटर देखते हैं विजिट ऑल ओवर द राउंड के क्या फील्डिंग हो रही है, क्या फैसले फैसले हो रहे हैं, कि हर खिलाड़ी पर नजर रखी जाए, जब कैमरा मैन यहाँ से रख के LBW वगैरह भी देख ले। तो यहाँ पर कैमरा हम लगाएंगे, एक LBW का एक ऑल ओवर द 360 व्यू देगा, और एक कैमरा हमें सिर्फ सिर्फ बैट्समैन के पोजीशन को ओवरव्यू करेगा। तो हम इस वक्त नीचे आएंगे आदिल साहब, और हम आपको टोटल विजिट कराएंगे तमाम तर लाइटिंग हाउस के बारे में। बंद कर ले। तो गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ पवेलियन से जरा हटके, और ये हमारे पास पीछे खड़ा है जनरेटर। जनरेटर कहेंगे कि बड़ा जनरेटर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये लाइटें दिखाएंगे आदिल साहब, इतनी हैवी लाइटें हैं ना, इनको जलाने के लिए हमें बिजली यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी बिजली में इतने वाट्स नहीं होते कि हम इतने हैवी ट्यूब्स को जलाएं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये जनरेटर। जनरेटर देख रहे हैं हमारे पास आदि भाई, ये बड़ा ही प्रीमियम किस्म का जनरेटर है, इसके इसमें हैवी वोल्टेज है, आपकी सोच है। तो ये देख रहे हैं कि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, मेरे जैसे 5-6 बंदे लाइन में खड़े हुए तो उसकी इक्वल है। ये देख रहे हैं कितना बड़ा, और ये प्लास्टिक नहीं है, इसकी लोहे की बॉडी है। तो ये डीजल पे चलता है, क्योंकि हमेशा इतनी बड़ी पावर हाउस को चलाने के लिए जो पावर हाउस यूज़ करते हैं वो हमारे पास डीजल पे चलेगा, उसके अलावा किसी भी चीज़ पर करामद नहीं होगा। आदि साहब यहाँ पर आएंगे हम लोग, तो इसके कंट्रोल हम देखेंगे, ये हमारे पास कंट्रोल है आने का, जब जनरेटर वगैरह चलाना होता है रात के टाइम, तो इन कंट्रोल में इसके बटन वगैरह लगे हुए हैं, और उन बटन को यूज़ करते हुए ये हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कंट्रोल हाउस, इसके अंदर इसके ब्रेकर स्विच हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। तो उसके बाद हमारे पास ये नेट की जालियाँ हैं, और मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ कि यहाँ पर ये जो पिच बनी है ना, ये तकरीबन मैंने और मेरे दोस्तों ने बनाई थी मिल के। आगे बोतल वाले, उनका हाथ कर, ओए आगे हो, आ जाओ व्यू। तो ये पिच आपके भाई उस्मान ने बनाई थी कुछ दौर पहले अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जब मैं थोड़ा इजी होता था ना, तो सुबह माशाल्लाह से नमाज पढ़नी, नमाज पढ़ के बाद यहाँ पर आ जाना क्रिकेट खेलने के लिए सुबह 6-7 बजे, तो 8-9 बजे हमारा कॉलेज होता है, उसके बाद कॉलेज चले जाना। तो यहाँ से पिच देखेंगे आदि भाई, यहाँ यहाँ कई चीज़ दिखाने लगे हैं कि ये पिच किस तरह बाल को खाती है, ये देखेंगे किस तरह निशान बने हुए पिच के बाल। तो इस तरीके से ना ये पिचें बाल का नुकसान इस तरह करती हैं के बाल हमारी डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये पिच थी गाइस, तो दूसरी सिमट की पिच है, उस पर हम लैदर तो खेल नहीं सकते, क्योंकि सिमट की पिच पर लैदर बहुत ज़्यादा फ्लिक करती है ना, तो फ्लिक करने का रिस्क के बाद हमें मुंह पे लगने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो उसके बाद यहाँ पर लाइट टावर देखेंगे, टावर का इस तरह वाले से देखेंगे कि हर टावर का अपना हाउस है, ब्रेकर कंट्रोल हाउस होता है। तो यानी कि इतने बड़े हाउस को चलाने के लिए, इतने बड़े लाइट के हाउस को चलाने के लिए हमारे पास इतना बड़ा टावर है भाई, ये देखिए कुलता नहीं है, हाथ अंदर आ गया, कुलता नहीं है, हाथ अंदर आ गया यार, ये क्या मजाक है। लाए बोतल स्टिंग रह गए हैं यार, स्टिंग होते ही पीती कुछ रोटी लिया दौड़ जल्दी आज बाद स्टिंग लाए। माशाल्लाह हमारे जानी भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं ये हमारे पास, हमारे साथ कितना अच्छा पढ़े आदिल भाई, और कामयाब नहीं है कामयाब हम भी नहीं हुआ, हम कौन सा भी यहाँ पर माशाल्लाह टोर लाख हमारे पीछे मर्सिडीज आई है साढ़े लैंड वास्ते छाव है ही नहीं यार, अगर
बंदा सीधा खड़ा और मैं खड़ा हूँ तो मेरा अक्स इस तरफ जाना चाहिए, क्यों है वो इधर मेरे साथ ही खड़ा है। हाँ भाई कितने जाना है? मेरे नाल है, चल मैं तेरे नाल। तो ये आजकल का सीन है जी, वो यार थान लग गई झूठ नहीं भाई सकता देखा ना जिते तीन बंदे हो ना और चौथा आज ना फिर बोतल देनी पैंती उन्होंने लिहाजा उसके नाल नहीं पवेंगे जाके। पीप अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल हु हंगरी फॉर बोतल। देख रहे हैं हमने माशाल्लाह अपनी स्टिंग वगैरह फिनिश कर ली है, स्टिंग मैंने कम ही पी है क्योंकि स्टिंग पीने की आदत नहीं है, अब ज़्यादा मैं पानी पीता हूँ। अम्मी देख रही होंगी मुझे इस वक्त, तो इसलिए मैंने ज़्यादा स्टिंग नहीं पी। तो ये स्टिंग मैंने उठा के डस्टबिन में डालनी, हमेशा कहता हूँ कि गंद मत फैलाया करें आदिल भाई। आदिल भाई नीचे करीब आएंगे मेरे, और यहाँ पर पड़े हैं जी हमारे कुरकुरे। कुरकुरे ज़ाया करने से अच्छा है कि बंदा ये फोल्ड करके ना जेब में डाल ले, घर जाके फिर सुकून से खा ले। गाइस आपने देखी होगी विकटें, ठीक है ना, SBI PSL भी आप देख रहे हैं, उसके अंदर एक टूर्नामेंट के अंदर पता नहीं उन्होंने 100 से विकटें बनाई हैं, लेकिन यहाँ पर क्या सीन है, जब देखेंगे कि विकेट को कौन सा रंग देना वो रंग कर लें। 1-3 विकटें पूरे तकरीबन साल चलती हैं। ये पिचेस ना, ये वाली पिच थोड़ी ओल्ड है इस वाली के, इसको अभी फ्रेश तैयार किया गया है। क्यों तैयार किया गया थी, ये भी पहले से तैयार, लेकिन इसको थोड़ा पानी वगैरह डाल के घास वगैरह डाल के इसको प्रेस किया गया है रोलर वगैरह से, तो ये पिच थोड़ी फ्रेश कंडीशन के अंदर नज़र आ रही है, और लेकिन ये कुछ रफ कंडीशन के अंदर क्योंकि इसको अभी तैयार नहीं किया गया। तो ये वाली पिच ज़रा डस्टी हालत के अंदर, नीचे आधे से दिखाएंगे किस तरह क्रैक्स पड़े हुए हैं। और देखें आधे सर ये इस पिच पर काफ़ी क्रैक्स है, लेकिन इस ये वाली पिच पर ना ये थोड़ी बेस्ट कंडीशन के अंदर है। यहाँ पर दिखाएंगे आधे सर नीचे का व्यू आपको, ये देख रहे हैं काफ़ी क्या नाम है डैम, डस्टी है डैम तो नहीं है, डस्टी है, ड्राई पिच है। ड्राई पिच का मतलब ये है कि यहाँ पर बॉल थोड़ा स्किट करके निकलेगा, और यहाँ पर पिच की जो है ना वेयरिंग है वो थोड़ी सी स्लो है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड वाली पिचेस और हमारी दूसरी पिचेस जो हमारी यानी कि दूसरे स्टेडियम में होती हैं नेशनल स्टेडियम के अंदर। आप मेरे हाथ में अभी तक स्टिंग देखी होगी, क्यों, क्योंकि ये खाली बॉटल्स हैं, गंद नहीं फैलाना चाहता। इससे पहले कि मैं यहीं करूँ वो मुझे गाली निकाल के आके बेचार घिनने लगे सा, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे रिस्पेक्ट से मुझे खुश आमदीद कहें, क्योंकि मैंने कोई अच्छा काम करके जाऊँगा तो मुझे याद रखेंगे इस बच्चे ने बोतल पी है और अपना कूड़ा गंद सारा मेल के वापस चला गया। तो मेरे पीछे जी इस वक्त है स्कोर कार्ड कहेंगे बैट्समैन वन बैट्समैन टू, दो बैट्समैन ही होते हैं, और बैट्समैन वन जो स्कोर करेगा वहाँ लिखा जाएगा चाक से, बैट्समैन टू जो स्कोर करेगा वहाँ लिखा जाएगा लास्ट इनिंग यानी कि जो टारगेट वगैरह होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, और ओवर यहाँ लिखे जाएंगे, विकेट्स यहाँ लिखे जाएंगे, टोटल जो रन होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। गाइस आज के व्लॉग में आपने देखा कि हमने विजिट किया अपने सिटी स्टेडियम का, आके एयरपोर्ट पर मौजूद है क्रिकेट स्टेडियम, उसका विजिट किया। तो गाइस आई होप कि आपको आज का व्लॉग मेरा बहुत पसंद आएगा। जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमेशा कहता हूँ कि बेल आइकन का घंटी का उखाड़ के आप कहाँ फेंगे इस जगह पर, आप इस तरह करें उखाड़ के ना इस बोतल में डाल दें, मैं डस्टबिन में डाले जा रहा हूँ तो काम ही नहीं आएगा। तो गाइस आज के व्लॉग में से इतना ही, तो मिलते हैं कल नए मजे एडवेंचर के साथ, नए मजे के सिनेरियो के साथ। तो अभी तक लिए अपने सामान को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय बाय।